छत्तीसगढ़ में ऐसा है, सरकार एक प्रदेश एक चुनाव के फॉर्मूले पर काम कर रही है। जी हां, राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ हो सकते हैं और इसके लिए सरकार ने आईएएस ऋचा शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्च कमेटी का गठन किया जिसने अपनी रिपोर्ट अब सौंप दी है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि सरकार रिपोर्ट पर विचार कर जल्दी निर्णय लेगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि बीजेपी राजनीतिक फायदा उठाने की फिराक में। पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा है। हम प्रयास कर रहे हैं सरकार का धन और समय दोनों बच सके एक साथ चुनाव कराने से। चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने की दृष्टि से एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन सरकार ने किया था। कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है। सरकार उस कमेटी के रिपोर्ट पर विचार करेगी और शीघ्र उस पर निर्णय करेगी। दोनों को एक साथ कैसे कर सकते हैं? एक दोनों का समय अलग अलग है, गठन का समय अलग अलग है, तो दोनों का चुनाव भी अलग अलग ही होना चाहिए। और आम पब्लिक से अगर राय ली जाए तो पब्लिक का एक कहना है कि दोनों चुनाव अलग अलग है, नगरीय के चुनाव और ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव, दोनों अलग अलग होना चाहिए। पब्लिक की भी डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह चुनाव में भी और जहाँ भी कहीं दिखता है वो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करती है और इसीलिए वो चाहती है कि ये जो चुनाव है वो एक साथ कराया जाए, उसका लाभ सीधे सरकार को मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले, ये चाहती है।